बढ़िया बिंदास। तो बच्चों आज के क्लास में जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई एसी और डीसी, एसी आपको पता है अल्टरनेट करंट, और जो डीसी है बच्चों डायरेक्ट करंट। तो आपको बताना है कि जो अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में से खतरनाक सबसे ज्यादा कौन है। यानी अगर मान लो कि दो वायर है, एक में 220 वोल्ट अल्टरनेट करंट की सप्लाई आ रही है और एक में 220 वोल्ट आपके डायरेक्ट करंट की सप्लाई आ रही है, तो आपको बताना है कि कौन सा ज्यादा खतरनाक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हम जो है इस वीडियो में जानेंगे, बट उससे पहले हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट ईएमएफ का डेरिवेशन करना है। उस डेरिवेशन को करने के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे इसी वीडियो में। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो गैल्वेनोमीटर या एमीटर होता है, अल्टरनेट करंट की तो डायरेक्शन लगातार चेंज होती जाती है, तो उसको मेजर करने के लिए अलग से एमीटर होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली जानेंगे, बाकी सिर्फ उनका आइडिया लेंगे एक न्यूमेरिकल में। बट मेन हमारा इसमें यही होगा कि भाई अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में से कौन ज्यादा डेंजरस है। और उससे पहले हम उस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले इसमें क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट ईएमएफ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, यानी इसको हम शॉर्टकट में सिंबल से लिख सकते हैं IRMS। ठीक है, कई बुक में इसको I नीचे V लिखा होता है, इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंबल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को IRMS से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस है क्या बच्चों, ध्यान से सुनना, पहले इसको डेफिनेशंस को आप लिख लो, तब जाके वो चीज आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। ओके, हाँ तो बच्चों डेफिनेशंस लिखे पहले इसकी, एक बार आप लिख लो फिर मैं उसको समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो लिखोगे द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, आराम आराम से लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुन के लिख लो, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच प्रोड्यूसेज सेम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज पास्ड थ्रू अ गिवन रजिस्टर फॉर अ गिवन टाइम। ओके, फॉर अ गिवन टाइम एज इज डन बाय अल्टरनेट करंट व्हेन इट इज पास्ड थ्रू द सेम रजिस्टर फॉर सेम टाइम। ओके, आई होप डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, डेफिनेशन आपने कुछ इस तरीके से लिखा है बच्चों, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ द स्टेडी करंट विच प्रोड्यूसेज द सेम अमाउंट ऑफ हीट व्हेन इट इज पास्ड थ्रू अ गिवन रजिस्टर फॉर ए गिवन टाइम एज इज डन बाय द अल्टरनेट करंट व्हेन इट इज पास्ड थ्रू द सेम रजिस्टर फॉर सेम टाइम। तो इसमें क्या बच्चों कि आपने क्या करा कि कोई भी एक गिवन रजिस्टर लिया, ठीक है, और आप इसमें से जो है
अल्टरनेट करंट को पास करते हो, किसको? एसी को आपने पास करा, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर, ठीक, और आपने इसमें टी टाइम के लिए इसको पास करा, तो ये कुछ हीट प्रोड्यूस करेगा, एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, और इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे, क्योंकि अल्टरनेट करंट फ्लक्चुएट होता है ना, आप सबको बता बच्चे कि जो अल्टरनेट करंट है इस तरीके से फ्लक्चुएट होता है, तो वो इंटीग्रेट करके हम निकालेंगे, यहां पर एच इज इक्वल टू डीटी, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। दूसरा अब कह रहा है कि इसी रजिस्टर से आपने पास करा स्टेडी करंट, स्टेडी करंट क्या होता है? बिल्कुल, जिसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता है, और जब आपने स्टेडी करंट को इसमें से पास करते हो, यानी सेम रजिस्टर से और सेम टाइम, यानी उतने ही टाइम में, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना है, यानी स्टेडी करंट कितना प्रोड्यूस फ्लो कराओगे इसमें से वो आपको नहीं पता, बट आपको सेम टाइम के लिए फ्लो कराना है, सेम रजिस्टर से फ्लो कराना है, तो और हीट भी क्या है, सेम अमाउंट में ही प्रोड्यूस होना चाहिए, तो सेम अमाउंट में, सेम रजिस्टर से सेम टाइम में हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी आपको स्टेडी करंट की वैल्यू चाहिए, जितनी भी आपको स्टेडी करंट की वैल्यू चाहिए, वो जो है उस अल्टरनेट करंट का क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मतलब कि आपने एक रजिस्टर में से अल्टरनेट करंट को कुछ टाइम के लिए फ्लो कराया और उससे एच अमाउंट ऑफ हीट मिला, अब आपको सेम रजिस्टर से सेम टाइम के लिए स्टेडी करंट फ्लो कराना है और सेम अमाउंट में हीट चाहिए, तो जो भी वैल्यू आप स्टेडी करंट की यहां पर यूज करोगे, दैट इज नोन एज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। तो डेफिनेशन में हमने बताया कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कौन सी करंट है, स्टेडी करंट की वो वैल्यू है जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करती है किसी गिवन रजिस्टर से गिवन टाइम में, जितना कि अगर उसी रजिस्टर से जो आपने अल्टरनेट करंट पास करा था तो उसने भी उतनी हीट प्रोड्यूस करी थी उतने ही टाइम में। तो आई होप बच्चों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट का क्या है और क्या चीज होती है ये। तो ये अगर आपको नोट करना कर लेना, बाकी अब हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट का क्या करेंगे, डेरिवेशन। डेरिवेशन में सिंपल सा लॉजिक है, अल्टरनेट करंट क्या होता है कि आपका फ्लक्चुएट होता है, तो उसमें हम स्मॉल हीट का फॉर्मूला लेंगे, इंटीग्रेट करके हीट निकाल लेंगे, फिर हम आपको पता है कि जो स्टेडी करंट है वो तो कांस्टेंट रहते थे, हम वहां पर आईआरएमएस करंट लेंगे, उसके कारण हीट निकालेंगे, दोनों में क्यों सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना है, दोनों को इक्वेट करेंगे और वहां से हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट। तो अकॉर्डिंग टू, आप सबको याद ही होगा कि अल्टरनेट करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या इक्वेशन होती है बच्चों, वीनो, ध्यान देना, वीनो एसी करंट, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह के अल्टरनेट करंट को रिप्रेजेंट करते बच्चे, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओके, ओमेगा की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π𝑣, और ये हो गया, या 2π/T भी होता है, कैपिटल टी, ये आप सबने 11th में पढ़ा हुआ है ओमेगा को, और टी गिवन टाइम है। उसके बाद ऑल्सो हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस्ड बाय करंट इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ये पढ़ा हुआ आपने, तो स्मॉल हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी एच इज इक्वल टू स्मॉल टाइम में आर डी टी, इक्वेशन टू, ठीक है। अब हम इसको एक कंप्लीट साइकिल के लिए निकालेंगे, ओके, तो शुरू करते बच्चों, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, ओके, हाँ, तो बच्चों शुरू करते हैं इंटीग्रेशन दोनों तरफ, ये टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, डीएच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी। अब डीएच शुरू में एट कितना प्रोड्यूस होगा, जीरो, और लास्ट में फाइनली कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, एच,
स्लो में टाइम जीरो। पूरे एक साइकिल के लिए कर रहे हैं, एक साइकिल के लिए टाइम कितना होगा? कैपिटल टी, टाइम पीरियड। ओके, अब लेफ्ट में तो डीएच का इंटीग्रेशन एच हो जाएगा, ठीक है, लिमिट रखोगे जीरो से लेके एच। राइट साइड में आई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसको पुट करोगे, फंक्शन है जीरो से टी, आई की जगह क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी आर डी टी, और इसका आई का स्क्वायर था, स्क्वायर हो जाएगा। इधर तो एच माइनस जीरो करके एच हो गया, ठीक है, एच माइनस जीरो एच हो जाएगा, करके दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब ये हो गया एच माइनस जीरो, इधर आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है आर, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब बच्चों इंटीग्रेशन बता दो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर उस पर पावर है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको लीनियर पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लीनियर पावर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला आप सबने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा आपका, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये इधर आ गया वन माइनस कॉस टू थीटा, देखो ये इधर ले आया, ये इधर चला गया, और इसका साथ का जो डिवाइड वाला था वो डिवाइड में आ गया, तो ये आ गया बच्चों आपका साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो यार थीटा की जगह पर क्या ओमेगा टी, तो इस तरीके से हम इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को यहां पर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा इधर एच माइनस जीरो एच हो गया, आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और आर बाहर आ गया, जीरो से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी पूरे के डिवाइड में आ जाएगा टू इंटू डी टी। क्लियर है बच्चों? अब इस इंटीग्रेशन को आप ब्रेक कर लो, इंटीग्रेशन को आप ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ध्यान दोगे एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर, अंदर ये जो टू था ये इसको मैं सीधा बाहर ले लेता हूं, यहां पे अंदर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन जीरो से टी डी टी, ये डी टी वन से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इंटीग्रेशन जीरो से टी कॉस टू ओमेगा टी डी टी। ठीक है बच्चों, अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय में टू, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया, जीरो से टी लिमिट पुट कर दी, माइनस कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, देखो कॉस का इंटीग्रेशन मतलब बच्चे क्या साइन, तो ये हो जाएगा साइन टू ओमेगा टी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा टू ओमेगा, ये तो आपको इंटीग्रेशन पता ही होगा, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टर्म डिवाइड में आ जाएगा, इतना वो बच्चे ध्यान रख सकते हैं इस बात को जो कि मेडिकल से है, और नॉन मेडिकल वालों तो मैथ में इंटीग्रेशन को डिटेल में पढ़ाई होगा आपने, और नहीं पढ़ाए तो पढ़ लोगे, ठीक है, इसके लिमिट तक दी जीरो से टी। अब आगे आप ध्यान दोगे आई नॉट स्क्वायर आर बाय में टू, इसकी लिमिट पुट करोगे टी माइनस जीरो, ये हो जाएगा आपका, इसका भी जो है वन बाय टू ओमेगा, हम बाहर ले लेते कॉन्स्टेंट कॉमन, अंदर रह गया साइन टू ओमेगा टी की जगह कैपिटल टी माइनस साइन टू ओमेगा इंटू जीरो, ये हमने लिमिट पुट कर दी और टू ओमेगा जो बाहर ले लिया है, ठीक है। अब ये हो गया बच्चों आपका आई नॉट स्क्वायर आर, अंदर आ गया आपका ये टी माइनस जीरो टी माइनस वन बाय टू ओमेगा साइन टू ओमेगा की वैल्यू क्या रख सकते हो भैया बच्चे, टू पाई बाय टी इंटू टी, माइनस में ये एंगल में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन जीरो, ठीक है। अब टी से टी कट गया, साइन फोर पाई की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से सोचो, दिमाग लगाओ, साइन फोर पाई की वैल्यू क्या होगी, बोलो जी, हाँ जी पता चल गया, देखो ये होता है ना टू पाई फोर पाई,
चार पाई पे वापस जो है आप उसी जीरो एंगल पे आ जाते हो। तो जो वैल्यू साइन जीरो पे होगी वही साइन फोर पाई की होगी, और साइन जीरो वैल्यू क्या होती है जीरो, और साइन फोर पाई वैल्यू जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। तो ये जीरो से वन बाय टू ओमेगा मल्टीप्लाई होगा क्या बच जाएगा ये जीरो टी माइनस जीरो, तो सिंपली टी आ जाएगा आपका। अच्छा ये इसके बाद टू था बच्चे डिवाइड में, ये मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, तो ये आ गया एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय में टू। इसको मान लेते बच्चों इक्वेशन थ्री, क्या मान लेते इक्वेशन थ्री। अब इसके बाद ध्यान दोगे ये मैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो है इसको रब कर देता हूं एक बार, क्योंकि मुझे आगे लिखना है, बाकी आप पॉज करके यहां तक नोट कर लेना, मैं इस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को नोट कर, ये आप साइड में ब्रैकेट में रीजन के लिए लिखोगे तो ये आप नोट कर लेना ठीक है, क्योंकि मुझे आगे इसमें कैलकुलेशन करनी है। तो ये मैं यहां से रब कर रहा हूं, तो आगे बच्चे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आ गया एक नौ ए आई आर एम एस, आई आर एम एस इज द रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। अगर आई आर एम एस रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट है देन हीट का फॉर्मूला क्या देगा एच इक्वल टू, क्योंकि ये करंट तो कांस्टेंट होता है ना स्टडी करंट शुरू में बताया वीडियो में, तो यहां पर आ जाएगा एच इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर इनटू आर, और टाइम कितना लिया हमने पूरे एक साइकिल का यानी कैपिटल टी। ये आ गया बच्चा आपका इक्वेशन फोर। ओके नाउ इक्वेट इक्वेशन थ्री एंड फोर, नाउ इक्वेट इक्वेशन थ्री एंड फोर, करें इक्वेट। तो ठीक है बच्चे इसको इक्वेट कर रहे हैं हम, थ्री एंड फोर इक्वेट कर दोगे क्या आ जाएगा आपका थ्री में आपका फोर में क्या आपका आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू में आर इंटू टी। ओके और इसके बाद थ्री से क्या हो जाएगा आपका आई नॉट स्क्वायर आर टी बाय टू। अब देखो बच्चों आर से और टी से तो ये कैंसिल आउट हो गया ना, तो यहां से आपका आई आर एम एस सॉल्व करके क्या आया जल्दी से बताओ, आई आर एम एस पे स्क्वायर था उधर जाके क्या हो जाएगा रूट आई नॉट का स्क्वायर बाय में टू। तो ये आ गया आपका फाइनली आई आर एम एस आई नॉट स्क्वायर का रूट जो बाहर आ जाएगा वो रूट से बाय में रूट टू। तो ये बच्चों आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन है किसके बीच का रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू को अल्टरनेट करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ दी अल्टरनेट करंट। अगर आप इसको ये रूट टू को ऐसे सॉल्व करते हो पूरा तो ये लगभग आ जाता है आपका, वैसे तो मेन रिलेशन ये फेमस है 0.707 के आसपास आता है, समझ में आ रही बात, यानी 70% के आसपास अप्रोक्सीमेटली आपका रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू करंट इज द 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। तो बच्चों आपको अल्टरनेट करंट समझ में आ गया होगा, अल्टरनेट करंट में जो आपको रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू अल्टरनेट करंट क्लियर हो गया होगा डेरिवेशन, इसी तरीके से अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो जो आपका रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट ईएमएफ होगा वो भी बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। एक काम करो सबसे पहले इसको आप आराम से नोट कर लो, फिर मैं जो आपको अल्टरनेट ईएमएफ कराऊंगा रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू अल्टरनेट ईएमएफ, तो मैं इसी में कुछ चेंजेज करूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ चेंजेज करने हैं तो ये पूरा नोट करना पड़ेगा, तो आपको भी ज्यादा वीडियो भी लेंथी हो जाएगी, तो वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं, तो हम जो है अल्टरनेट ईएमएफ जो है आपको इसी में चेंज करके कराएंगे, तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा, अब हम बात करते हैं रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट ईएमएफ। तो आप ध्यान से सुनोगे डेफिनेशन पहले, द रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट ईएमएफ इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ द स्टेडी ईएमएफ
which produces the same amount of heat when it is applied across, क्योंकि करंट पासिंग थ्रू नहीं होता, अप्लाइड अक्रॉस द एंड सर, व्हेन इट इज अप्लाइड अक्रॉस फॉर अ गिवन, व्हेन इट इज अप्लाइड अक्रॉस अ गिवन रजिस्टर फॉर अ गिवन टाइम एज इज डन बाय द अल्टरनेट ईएमएफ व्हेन इट इज अप्लाइड अक्रॉस द सेम रजिस्टर फॉर सेम टाइम। यानी भाई जैसे कि आपका अल्टरनेट करंट का रूट मीन स्क्वायर हमने निकाला था ना, उसी तरीके से कि भाई आप एक रजिस्टर के अक्रॉस अल्टरनेट ईएमएफ को अप्लाई करते हो और वो जो है आपको कुछ हीट प्रोड्यूस करता है गिवन टाइम में, तो आप कितनी वैल्यू ऑफ स्टडी ईएमएफ की अप्लाई करोगे उसके अक्रॉस सेम रजिस्टर के अक्रॉस कि सेम टाइम में आपको सेम अमाउंट ऑफ हीट दे। डन। तो अब उसकी भी डेरिवेशन कर लेते हैं। तो आपको अल्टरनेट ईएमएफ का इक्वेशन बता दूं मैं, ई इक्वल टू होता है बच्चों ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके हीट का फॉर्मूला तो ये है, अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इसको हमें ई की टर्म में चाहिए। तो आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना बच्चों, ओम से लो वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी बाय आर। तो कई बार क्या होता है कि आपका, मैंने पहले बताया था करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वोल्टेज की जगह मैं ई लिख सकता हूँ, ई बाय आर। तो जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पर रखोगे तो एच इक्वल टू हो जाएगा ये ई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है, आई का स्क्वायर हो गया। यहां से बच्चे एक आर से एक आर कट जाएगा, तो एच इक्वल टू आ जाएगा आपका ई स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो अब इसको ये हम स्मॉल हीट का फॉर्मूला लिखेंगे, तो स्मॉल हीट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चे, डी एच इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका डी एच इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ये भाई ऊपर वाली लाइन का एच था, इसके बाद ये आपके पास अगली लाइन है जिसमें डीएच इक्वल टू ई स्क्वायर आर बाय डीटी है। अब करना क्या, सारा चीज सेम होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम आएगा, इंटीग्रेशन सेम होगा, बस ये टर्म को चेंज करते जाएंगे, लेफ्ट में तो ठीक है, राइट में यहां पर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ई स्क्वायर बाय आर इंटू डीटी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, इस हिसाब से चेंज करते चले जाएंगे, ए की वैल्यू रखेंगे और ये आर जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, ये आर डिवाइड में आ गया और यहां पर हो गया आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। अब बाहर क्या कॉमन आएगा, ई नॉट स्क्वायर बाहर आएगा एक तो, और दूसरा क्या बच्चे, आर आपका यहाँ पे डिवाइड में था तो ये डिवाइड में बाहर आएगा ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी सेम रहेगा, इसमें भी है उसका इंटीग्रेशन अंदर की फॉर्मूला आपको पता है कैसे ओपन किया है, अभी मैंने करा था, यहां पर ये हो जाएगा आपका e नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय r, क्या हो गया e नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय r, इसका ये इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे किया हुआ है, बाहर का सिर्फ चेंज कर रहे e नॉट स्क्वायर, ये हो गया e नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय r, ये जो टू था ये बाहर आ गया टू आर हो गया, अंदर का इंटीग्रेशन तो अभी आपको मैं समझाया हुआ हूं, अगर नहीं समझ मैंने तब थोड़े से वीडियो को पीछे ले जाके देख के दोबारा इस इंटीग्रेशन को देख सकते हो। फिर यहां पर हो जाएगा आपका e नॉट स्क्वायर बाय में टू आर, ये हो गया आपका e नॉट स्क्वायर बाय में टू आर, ये भी हो जाएगा e नॉट स्क्वायर बाय में टू आर। अगर मैं इसको पूरा करता तो वही ये टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है लिखने में, इसीलिए मैंने इसी में चेंज कर दिया है, ये भी हो गया आपका e नॉट स्क्वायर बाय में टू आर, अंदर सेम प्रोसेस चल रहा है बिल्कुल सेम टू सेम। तो यहां पर फाइनली आ गया e नॉट स्क्वायर, ये हो गया e नॉट स्क्वायर बाय में टू आर इंटू टी। अब इसी तरीके से अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा तो आई आर एम एस ई आर एम एस क्या जाएगा, इफ ई आर एम एस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट ईएमएफ, अल्टरनेट ईएमएफ, तो
आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एच इजिकल टू ई आर एम एस का स्क्वायर और ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कीजिएगा किस में आएगा डिवाइड में। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दोगे ठीक है, तो लेफ्ट में तो गया ई आर एम एस का स्क्वायर बाय में आर है और यहां पर हो जाएगा आपका बच्चों ई नॉट स्क्वायर और ये आर बाय में है। समझ में आ गई बात, तो यहां पर आपका आर से आर ये कट गया, सेम वही चीज आ जाएगी आपकी ई आर एम एस यहां पर ई नॉट का स्क्वायर बाय में टू और ये फाइनली हो गया आपका ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट बाय में रूट टू और यहां पर भी आप लिख सकते हो ई आर एम एस 0.707 टाइम्स ऑफ ई नॉट। तो ये हो गया बच्चों आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट ई एम एफ ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल क्या है ई आर एम एस। तो डायरेक्शन सेम टू सेम था, डेफिनेशन भी उसी तरीके से है, बस क्या है कि करंट पास करते हैं या फ्लो होता है थ्रू दी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस होता है तो अल्टरनेट ई एम एफ। तो लास्ट का आपको रिजल्ट ये याद रखना है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट यानी आई आर एम एस इजिकल टू आई नॉट बाय रूट टू और ई आर एम एस इजिकल टू ई नॉट बाय रूट टू। तो आप इसको नोट कर लो बच्चों, फिर हम अगला जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि विच वन इज मोर डेंजरस एसी और डीसी। ओके चलो नोट करो। तो बच्चों अब शुरू करते हैं उस क्वेश्चन को जिस क्वेश्चन का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस वीडियो के अंदर कि भाई एसी और डीसी में से खतरनाक कौन सा। कई बच्चों को सकता है आंसर पता हो बट रीजन तो पता होना चाहिए ना क्यों भाई खतरनाक है, हम रीजन के साथ बताएंगे आंसर, नहीं तो मैं तो आंसर वैसे भी बोलता बता सकते हो भाई कौन सा खतरनाक है। एसी डीसी दो ऑप्शन था, कोई एक का नाम लेना था बट रीजन समझते हैं। तो जनरली बच्चों हम सबके घरों में जो अल्टरनेट करंट की सप्लाई आती है वो वोल्टेज क्या होता है आपका, वो वोल्टेज होता है आपका 220 वोल्ट आपको दिया जाता है। कितना दिया जाता है 220 वोल्ट जो आपका अल्टरनेट करंट की सप्लाई आती है। अगर यही डीसी हो, क्या हो डीसी या स्टेडी करंट, तो 220 वोल्ट का मतलब लगातार आपको 220 वोल्ट के झटके लगेंगे अगर कोई इसको टच कर ले। बट ये जो हमारे घर में हमसे बोला जाता है कि भाई 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, एक्चुअल में होती कौन सी वैल्यू है, वो होती है आपकी आरएमएस वैल्यू। कौन सी होती है आरएमएस वैल्यू, यानी जो आपको अगर जैसे कि आपके घर में लगा हुआ जो वोल्ट मीटर है वो दिखा रहा है 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, इसका मतलब वो 220 वोल्ट आपकी आरएमएस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू बच्चों आरएमएस। तो पीक वैल्यू आप निकाल लोगे, पीक वैल्यू के लिए फॉर्मूला अभी कराया था याद है कौन सा ई आर एम एस, क्या था ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट टू। तो यहां से आपका ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट टू ई आर एम एस, रूट टू ई आर एम एस। रूट टू की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1.414 और ई आर एम एस क्या होगा, ई आर एम एस क्या होगा 220 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना मिलेगा करके देख लो, मुझे तो याद हो गया असल पढ़ाते पढ़ाते 311.08 वोल्ट। कितना हो जाएगा 311.08 वोल्ट। अब आपको पता है ये पीक वैल्यू है, अल्टरनेट करंट किस हिसाब से फ्लो होता है इस तरीके से, और जो इंडिया में जो सप्लाई आती है, जो इंडिया में जो सप्लाई आती है वो अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है 50 हर्ट्ज, मतलब कि भाई एक साइकिल ये ऐसे होता है यहां तक का एक साइकिल हो गया, ऐसी जो है 50 साइकिल पास होती है एक सेकंड में और पीक वैल्यू इसको बोलते हैं, ये जो वैल्यू होती है। यानी अगर आपने डीसी को टच करा तो आपको लगातार 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी यानी 220 वोल्ट के झटके मिलेंगे, बट अगर आपने 220 वोल्ट का एसी टच कर लिया
तो दिख रहा है आपको 220 वोल्ट, बट एक सेकंड में 50 बार ऊपर से, क्योंकि एक सेकंड में दो बार पीक वैल्यू आ रही है, 50 बार इस तरफ से, यानी इस तरफ से इस तरफ से, यानी एक सेकंड में 100 बार बोला गया 220, लगेंगे 311 वोल्ट के झटके। क्या बोला है 220 बट लगेंगे 311 वोल्ट के झटके, वो भी एक सेकंड में कितनी बार, 100 बार। तो अब बताओ कौन ज्यादा डेंजरस हुआ, आंसर सबको आ गया होगा ना, एसी। तो आंसर है, अगर आपसे पूछे विच वन इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी, तो आप बोलोगे एसी इज मोर डेंजरस बिकॉज इट हैज पीक वैल्यू, ओके। और बाकी आप ये कैलकुलेशन भी उसमें दिखा सकते हो। तो नोट कर लो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो बच्चों इस वीडियो में जो हमने फॉर्मूले सीखे तो उनपे एक दो क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होगे, व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यानी आपको इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी भी गिवन, क्योंकि आपको अगेन मैं बता दूं अल्टरनेट करंट या अल्टरनेट वोल्टेज इस तरह के फ्लक्चुएट होता है, तो किसी भी गिवन मोमेंट पे इसकी वोल्टेज क्या होगी वो आपको बताना है। अगर सप्लाई आ रही 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, पहले तो मैं बता दूं इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन में लिखते हैं E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, जिसमें E इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को, E नॉट पीक को रिप्रेजेंट करता है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। ओमेगा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 2π ν, जिसमें ν होती है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें बोला है कि अगर हमारे पास सप्लाई 220 वोल्ट, एक चीज और बता दो, किसी भी क्वेश्चन में अगर अल्टरनेट वोल्टेज दिया गया है और वो मेंशन नहीं किया हुआ है को पीक वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस है या आरएमएस है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो उसे आरएमएस वोल्टेज कंसीडर करके चलना है, क्योंकि वो जो वैल्यू आपको दी जाती है वो आरएमएस वैल्यू होती है। इसके अलावा अगर इंस्टेंटेनियस होगा या पीक वैल्यू होगी तो लैंग्वेज में मेंशन जरूर होगा। तो यानी आपको ई आरएमएस दे रखा है और ये इक्वेशन बनानी है इस डाटा के हिसाब से। तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो ई नोट चाहिए और दूसरा ओमेगा चाहिए, और बस इस फॉर्मूले में रख दो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले गिवन को लिखोगे, गिवन में क्या है बच्चों आपका, एक तो आपको दे रखा है ई आरएमएस, क्या दे रखा है ई आरएमएस कितना है 220 वोल्ट, और इसके साथ साथ आपको क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट क्या करना है, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू के लिए फॉर्मूला वही यूज कर लोगे, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट टू। ई नॉट क्या देगा यहां से, ई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट टू ई आर एम एस। तो रूट टू की वैल्यू 1.414, ई नॉट की वैल्यू 220, तो ये आपका आ जाएगा 311 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट को छोड़ देते, वैल्यू इतनी लिख लेते हैं, 0.08 है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ये आएगा। तो मैं इसको 311 वोल्ट लेकर चल रहा हूं, ई नॉट आ गया हमारे पास। अब क्या चाहिए और हमें, ओमेगा। न्यू आपको दे रखा है 2π ν, 2π ν की वैल्यू कितनी हो गई 50, तो ये हो गया टोटल 100π, यूनिट होती इसकी रेडियन पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या लिखना था हमें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दी अल्टरनेट ईएमएफ। तो ई इक्वल टू ई नॉट की जगह पे क्या देगा आपका 311, साइन ओमेगा की जगह पे क्या देगा 100π इंटू टी। तो समझ में आ गया बच्चों, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, इंस्टेंटेनियस अल्टरनेट वोल्टेज की इक्वेशन फोर 220 वोल्ट सप्लाई एंड 50 हर्ट्ज। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे अटेम्प्ट करना समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों नोट कर लो इसको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और इफेक्टिव करंट ऑफ एन एसी हैविंग पीक वैल्यू 5 एम्पियर। यहां तक तो बहुत आसान है, आगे भी आसान ही है, बट आगे जो पॉइंट बताने जा रहा हूं वो जो आपसे 1 मार्क्स वाले में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हाट विल बी द रीडिंग शोन फॉर दिस करंट बाय एन एसी एमीटर, अल्टरनेट करंट को मेजर करने के लिए स्पेसिफिक एमीटर होता है,
और ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप सबने पढ़ा होगा बच्चों यूनिट 3 में, ठीक है, जो कि डीसी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है टॉर्क के लॉजिक से। तो यहाँ पर तो टॉर्क का लॉजिक यूज होता है। एसी एमीटर में देखो लॉजिक क्या होता है, जो हमने अभी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का लॉजिक पढ़ा ना, तो हीट का लॉजिक, तो हीट का लॉजिक जो है यूज किया जाता है आपके एसी एमीटर में। बाकी क्योंकि सिलेबस में नहीं ली तो मैं इसको डिटेल में भी यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, बट इतना है कि हीट का लॉजिक यूज किया जाता है। तो अब इसके बाद बच्चे यहां पर सबसे पहले तो देखो हमें दे रखा है क्या, पीक वैल्यू 5 एम्पियर। तो सबसे पहले तुमसे पूछा है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये पूछा हुआ है ना आपसे कि इफेक्टिव करंट या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो बच्चों कैसे कैलकुलेट करोगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, सिंपल है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू। आई नॉट कितना है 5 बाय में रूट टू, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा इसका 3.5 या 6 इसके आसपास ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब देखो जो आपका एसी एमीटर है, यहां पर घर में आपके बच्चों मोटर लगी होगी, मोटर में दोनों होता है, वोल्ट मीटर भी होता है और एमीटर भी होता है, वो दोनों के दोनों जो एसी एमीटर और एसी वोल्ट मीटर होते हैं। तो जब आप मोटर को ऑन करते हो तो उसमें जो आपके एमीटर में जो डिफ्लेक्शन दिखाता है, जो करंट दिखाता है, वो कौन सा करंट होता है, वो होता है बच्चे आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। इन द सेम मैनर जब आप वोल्ट मीटर जो यूज करते हो उसमें भी आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज दिखाता है। तो पहले का आंसर क्या है कि भाई एसी एमीटर कितनी रीडिंग शो करेगा, तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि जो एसी एमीटर है वो जो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट को मेजर करता है। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट क्या है, 3.536 एम्पियर, जो कि आई नॉट जब पीक वैल्यू आपका आता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा कि एसी एमीटर विल शो द रीडिंग इज इक्वल टू 3.536 एम्पियर। अब दूसरे की बात करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है एवरेज वैल्यू लेगा, और आपको पता है कि एवरेज वैल्यू जो सिंपल होता है डीसी वाला, ये एवरेज लेकर चलेगा। और एक कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी के लिए एवरेज क्या होता है, 0 फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी एवरेज इज 0, क्योंकि आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 0, यानी आप जब अल्टरनेट करंट को नॉर्मल ऑर्डिनरी जो डीसी एमीटर है उससे मेजर करने की कोशिश करोगे तो आपको कितनी रीडिंग शो करेगा, 0 एम्पियर, ओके। तो अगर इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में या 1 मार्क्स में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए जो एसी एमीटर है वो वही वैल्यू शो करेगा जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, और जो डीसी या फिर सिंपल कह लो ऑर्डिनरी मूविंग कॉइल गैल्वेनो एमीटर है वो आपका 0 रीडिंग शो करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट शोन इन फिगर। यानी आपको ये एक फिगर में दे रखा है जिसमें जो है करंट को इस तरीके से फ्लक्चुएट करके दिखाया गया है आपको, तो आपको इसकी वर्चुअल वैल्यू, जब भी जो इस तरीके की वर्चुअल वैल्यू की बात आए तो ये भी समझ लो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही, ये मैं अलग अलग क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस का आइडिया लग जाए। यानी आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट निकालना है, तो इस तरीके से जब भी है तो करना क्या है आपको, सिंपल सा है कि आपको आई आर एम एस निकालना है, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर यानी स्क्वायर का मीन निकाल के उसका रूट करना, इसको उल्टा पढ़ो, स्क्वायर का मेन निकाल के रूट करना। तो आपकी कितनी बार वैल्यू, एक बार देखो 2 एम्पियर कंटिन्यू मेंटेन है, फिर -2 एम्पियर है, फिर 2 एम्पियर है, 3 टाइम्स है। तो इसको हम क्या करेंगे, रूट मेन 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और डिवाइड में मेन मेन के लिए कितना डिवाइड कर दोगे, 3। सॉल्व कर लो इसको, रूट मीन स्क्वायर यानी स्क्वायर किया हमने सारी वैल्यू का,
और उसके बाद उसका मेन लिया और फिर उसका रूट निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 4 + 4 + 4 बाई में 3, ये हो गया 12/3 दैट इज रूट 4 और ये हो गया 2 एम्पियर। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो वर्चुअल वैल्यू यानी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि इसका मतलब भी ये कि आपको RMS वैल्यू निकालनी है और वो किस तरीके से कैलकुलेट करना आपको आइडिया लग गया होगा इस क्वेश्चन में, तो नोट कर लो बच्चों इसको। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, इन एसी सर्किट RMS वोल्टेज आपको दे रखा है, फाइंड करना है आपको पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड इट्स मीन वैल्यू ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो सबसे पहले आपको दे रखा है इन्होंने क्लियर कट कह दिया RMS वोल्टेज है, यानी इसको हम मान लेते हैं ERMS। ERMS कितना हो गया 100√2 वोल्ट। आपको कैलकुलेट क्या करना है, पीक वोल्टेज आपको रिलेशन तो पता ही है ना, ERMS इक्वल टू E0/√2। तो E0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, E0 इक्वल टू हो जाएगा √2 ERMS। ओके तो √2 × ERMS हो गया 100√2। √2 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 200 वोल्ट। अब आपसे क्या पूछा है, मीन वैल्यू फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, 0. ये आपको पता होना चाहिए 637 E0 पीक वैल्यू। पीक वैल्यू हमारे पास है, रखो इसको और मल्टीप्लाई कर दो इंटू 200, तो ये हो जाएगा 6 × 7 127.4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर को मैं यहीं पर कंप्लीट करूंगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और कुछ भी चीजें आपको जो भी चीजें समझाया मैंने अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। अगर आपको किसी तरीके के कोई टॉपिक में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और अगर कोई न्यूमेरिकल वगैरह आपको समझ नहीं आ रहे तो आप वो भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। हो सकता है उनमें से कुछ न्यूमेरिकल वीडियो बना के भी आपको प्रोवाइड करूं। और अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं और आपने इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक कमेंट शेयर से जो है मुझे फीडबैक मिलती है और उससे जो मोटिवेशन मिलता है कि और मैं वीडियो बनाऊं, तो भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मैं जो है 12th क्लास के लिए ऑनलाइन बैचेज भी चला रहा हूं, तो अगर किसी को ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, फिर मैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा और वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।